तो पीछे से जब हम रेतपी गांव में पहुंचे, कार्यक्रम में पहुंचे, तो वहां मुझे पता लगा कि ऐसे ऐसे हमारे काफिले में जो कारें चल रही थी, पीछे एक गाड़ी में कहीं मोटरसाइकिल पर 3 युवक आए और गोलियां दागी गई। और हमारे एक मुझे जानकारी जो दी गई वहां कि एक लड़का खेड़ी गांव का है, गोल्डी, उसके वहां कंधे के और हार्ट के ऊपर जो है 2 गोलियां अंदर चलेगी और एक बाहर है, पता नहीं, ऐसे कुछ सुनने में आया। फिर हम उसको PGI रेफर कर दिया, रेपरानी हॉस्पिटल से हम यहाँ आए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गोल्डी की स्थिति क्या है? गोल्डी की स्थिति अभी हॉस्पिटल वाले देख रहे हैं, उसको इलाज चल रहा है, तो अभी कहते हैं ठीक है, बाकी देखते हैं। प्रदीप जी, क्या आप पर हमला था ये? नहीं, देखो ऐसा नहीं मैं कह सकता, लेकिन देखो मैं 31 साल से हम राजनीति कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री के खिलाफ भी 1993 में चुनाव लड़ा, लेकिन आज तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी, बड़े शांतिपूर्वक हमारे चुनाव होते रहे हैं। तो आज ये ऐसा जो हुआ वो पहली बार हुआ है। नहीं, शक तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला, पुलिस जांच करेगी इसके बाद। नहीं, हम तो उस कार्यक्रम छोड़कर जो हमारे आगे 5-7 कार्यक्रम थे वो हमने हमारे प्रोग्राम आगे कैंसिल कर दिए गए। क्या पुलिस ने आपसे आपके संपर्क किया इस मामले? नहीं, मैंने ही SP मैडम को फोन किया था कि ऐसे ऐसे हो गया, तो उन्होंने मौके पर फिर वहां गए पुलिस वाले, जैसे हमें पता लगा 3 कारतूस वहां मिले और मौके पर पुलिस जांच कर रही है, डंप होगा वहां से, डंप होटल। घटनाक्रम कहां हुआ और गोल्डी को गोली कहां लगी? ये घटनाक्रम ठड्डे बरौली के बीच हुआ, बरौली गांव में हुआ। आप भी उस कार्रवाई में थे? मैं आगे प्रोग्राम में पहुंच गया था, वो पीछे थे। मैं मुझे तो वहीं आके बताया जब हम मंच पर से मैं बोल रहा था कि ऐसे ऐसे पीछे हादसा हो गया, 2-4 मिनट में ही हो गया, मतलब 2-4 मिनट हम पहुंचे और वो पीछे थे। इतने में ये दोनों आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, किस तरह ये अभी हमें इलेक्शन चल रहा है, बहुत साथी हमारी पार्टी में मिल रहे हैं, सहयोग करने के चल रहे हैं, तो ये साथी भी अभी हमारे इसी चुनाव में आए थे हमारे साथ। और कुछ कहना चाहे प्रदीप जी आप? नहीं, बाकी देखो हम तो यही चाहते हैं कि पुलिस इसकी जांच करे और जो दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।